अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से परेशान हैं, अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आती, या फिर कोई अन्य हेल्थ समस्या है, तो ये टेक्निक आप ज़रूर ट्राई करें। मेरा 100% विश्वास है कि आपको सहायता अवश्य मिलेगी। जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम भरेंगे वो वापस हमें वही देगा, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर रीप्रोग्रामिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रात को सोने से जस्ट पहले का समय बेस्ट टाइम है जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात को घुसा सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को चालू रखकर आप ये पूरी विधि रोज़ रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले लगातार 1 महीना रोज करें। याद रखें, बेड पे, बिस्तर पे बैठे बैठे इसे करना है। कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगा सकते हैं, परंतु ये पूरा होने के बाद अपनी आंखें नहीं खोले, नींद आ जाए तब तक बंद ही रखेंगे। तो आइए इन क्रियाविधियों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं जो सेंटेंसेस बोलूँगा उसे आप दोहराएंगे। आप शुरू में मेरे साथ ही कीजिए, मतलब वीडियो के साथ ही कीजिए, फिर पूरा समझने के बाद थोड़े दिनों के बाद अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, धीरे से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी और धीमी सांस भरें, धीमे धीमे छोड़ें। फिर से 3 बार एक लंबी गहरी धीमी सांसें भरें और छोड़ें। आइए अब शुरू करें फॉरगिवनेस प्रोसेस, यानी माफ़ी की प्रक्रिया। हमारे मन ने जिन जिन व्यक्ति को, घटना को पकड़ के रखा है, उसे मन से निकालें। याद करें उन व्यक्ति को जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस व्यक्ति को अपनी आंखों के समक्ष लाइए, अपनी मन की आंखों से उन्हें देखने की कोशिश करें। देखें कि आप भी उनके बिल्कुल सामने खड़े हैं, और जितने भी व्यक्ति हैं जिनको आप माफ नहीं कर सकते, उन सभी के चेहरे आंखों के समक्ष लाइए। उन सभी को अपने सामने कतार में खड़ा देखिए, फिर उनसे ये कहें, आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया था या आपने मेरे साथ जो भी किया था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, तकलीफ़ हुई थी, परंतु आज मैं परम कृपालु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी गलतियों के लिए क्षमा करें। मैंने तो माफ़ कर ही दिया है, परंतु
परमात्मा से आपकी सुख शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आप भी अपने जीवन में सही राह पे चलकर खूब आगे बढ़े। अब याद करें उन्हें जिनको आपने जाने अनजाने में तकलीफ पहुंचाई थी, आपने किसी को जाने अनजाने में दुख दिया हो, उन सभी व्यक्तियों को आंखों के समक्ष लाइए। उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ देखें। और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे। अपने आप को देखें, आप उन सभी व्यक्तियों के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगे, आपको मैंने जाने अनजाने जो दुख या तकलीफ दी उसके लिए मुझे क्षमा करें। ईश्वर आपका भला करे। हे ईश्वर, मुझे माफ करे। अब आज के बिताए हुए पूरे दिन को याद करें कि आज मैंने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, जिससे या तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को मिला या फिर जिससे किसी और को बहुत हेल्प मिली। मैंने कौन सा अच्छा काम किया आज के दिन याद करें। साथ ही आज के दिन में मैंने कौन सी गलती करी उसे भी याद करें। उस गलती की जगह मुझे ये करना चाहिए था, मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस टॉपिक पे डरना नहीं चाहिए था। अपने नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव और इम्प्रूव करने के लिए मैं आगे क्या क्या करूँगा उसे याद करें। याद करें कि आगे से ऐसी बात पे मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैं अपने आप को उसी घटना में हंसते हुए या नॉर्मल चेहरे पे देख रहा हूँ। अब अंतिम चरण में करेंगे ग्रेटिट्यूड यानी प्रभु का आभार। सोने से पहले इस दिन का लास्ट थॉट प्रभु के आभार का होना चाहिए। मुझे पता है कि इसी से मेरी पूरी रात ईश्वर कृपा की रात बन जाएगी और सुबह उठते ही मैं खुश होकर एनर्जाइज होकर उठूंगा और फिर से प्रभु का नाम लूंगा और कल के दिन की शुरुआत भी प्रभु के आभार से करूंगा। हे परम कृपालु परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपने मुश्किल के समय में हमेशा मेरा साथ दिया। आपने मुझे इतना सकारात्मक बनाया।
आपने मुझे यह विशेष गुण दिया कि जिससे मैं सभी के अंदर केवल गुण ही देख पाऊं। आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे सुबह जल्दी उठाकर जो ध्यान योग का आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरी इतनी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद। अच्छी धन संपत्ति के लिए धन्यवाद। अच्छे भोजन, अच्छा पानी सभी के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के सभी लोगों को इतना सुखी बनाया, उन सब के लिए धन्यवाद। अब केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कल्याण कीजिए। हे प्रभु, सभी जीव मात्र का कल्याण कीजिए। हे प्रभु, मुझे हमेशा याद दिलाते रहें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आई एम पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।